करेंगे इंसर्टिंग अ वीडियो हमने अगले लेक्चर में देखा था ऑडियो अब हम देखेंगे वीडियो द स्टेप्स टू एड वीडियो टू अ प्रेजेंटेशन आर फर्स्ट क्लिक द वीडियो ऑप्शन इन द मीडिया ग्रुप ऑन द इंशर्ट टैब इंशर्ट टैब में आपको मीडिया ग्रुप में वीडियो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा यू कैन चूज द चूज वन ऑफ द दिस टू वीडियो सोर्स यहाँ पे आप वीडियो है वो दो वीडियो सोर्स है वह आप दो तरीके से चूज कर सकते हैं फर्स्ट है ऑनलाइन वीडियो आप ऑनलाइन वीडियो भी ले, ले सकते हैं यू कैन सिलेक्ट एंड इंशर्ट अ वीडियो फाइल फ्रॉम द इंटरनेट यहाँ पे जो वीडियो फाइल है वो आप इंटरनेट से चूज कर सकते हैं सेकंड वीडियो ऑन माय पीसी क्लिकिंग वीडियो ऑन माय पीसी विल ओपन द इंशर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स लोकेट एड एंड सिलेक्ट द डिज वीडियो फाइल एंड क्लिक इंशर्ट आपके जो कंप्यूटर में जहाँ पे आपने वीडियो रखा होगा वही लोकेशन में जाके आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं थर्ड द वीडियो विल बी एडेड टू द स्लाइड जब आप इंसर्ट करेंगे वीडियो को तो वो वीडियो है आपकी स्लाइड में है वो एड हो जाएगा फोर्थ क्लिक द प्ले और पुश बटन बिलो द वीडियो उस यहाँ पे जो आप स्लाइड में आपका वीडियो आ जाएगा उसके नीचे आपको प्ले और पोस्ट बटन है वो आपको दिखेगा तो वीडियो विल प्ले एंड द टाइम लाइन विल एडवांस यहाँ पे जो टाइम लाइन होगी वो आपको दिखेगी कि वीडियो प्ले करते समय एज फिगर में आपको दिख रहा है प्ले और पोस्ट बटन और उसके बाजू में है टाइम लाइन एज इन द केस ऑफ ऑडियो टू एडिशनल टैब यहाँ पे जो ऑडियो uh, की तरह टू एडिशनल टैब है फॉर्मेट एंड प्लेबैक अपियर अंडर द वीडियो टूल ऑन द मेनू बार यहाँ पे ऑडियो की तरह वीडियो में भी दो टैब है फॉर्मेट एंड प्लेबैक टैब वीडियो टूल्स ऑन द मेनू बार मेनू बार में आपको दिखेगा फिफ्थ द प्लेबैक टैब हैज वीडियो ऑप्शंस ग्रुप

Uh, जो वीडियो uh, में ऑडियो का जो वॉल्यूम है वो आप चेंज कर सकते हैं स्टार्ट इट कंट्रोल वेदर द वीडियो विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली और व्हेन द माउस इज़ क्लिक यहाँ पे आप वीडियो किस तरह से रखना चाहते हैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए ऐसे रखना चाहते हैं या फिर जब आप माउस का uh, उस पर क्लिक करेंगे माउस से तो, uh, तो वीडियो प्ले हो इस तरह से किस तरह से रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं प्ले फुल स्क्रीन इट अलाउ द वीडियो टू फिल दायर स्क्रीन वाइल प्लेइंग जब आप वीडियो इस तरह से रखना चाहते हैं कि आपका वीडियो है वो फुल स्क्रीन में प्ले हो इस तरह से रखना चाहते हैं तो प्ले फुल स्क्रीन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा हाइड वाइल नॉट प्लेइंग इट हाइड्स द वीडियो वेन नॉट प्लेइंग आप हाइड कर सकते हैं जब वीडियो आप प्ले नहीं करना चाहते हैं तो लूप अनटिल स्टॉप इट रिप्लेस द वीडियो इट इज स्टॉप बाय द प्रेजेंटेशन जब आप प्रेजेंटेशन को स्टॉप करेंगे तो वो वो वीडियो है भी स्टॉप हो जाएगा रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग इट रिटर्न द वीडियो प्ले हेड टू द बिगनिंग आफ्टर इट हैज़ द प्ले कंप्लीटली उसका जो हेड है वो वीडियो का वो फिर से स्टार्ट होगा जब तक आप आपका वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा अब देखें स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हाउ टू मेक स्लाइड एंड ऑब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग बाय एडिंग इफेक्ट्स व्हेन द व्हेन दे अपीयर मूव और डिसअपियर यू विल फाइंड द रिलेवेंट कमांड ऑन द ट्रांजिशन एंड एन एनिमेशन टैब्स आप जानते हैं कि आप स्लाइड को कैसे इफ उसको इफेक्ट दे सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं देखे आपको आपको कमांड फाइंड करने के लिए आपको ट्रांजिशन एंड एन एनिमेशन टैब में जाना होगा अब देखिए स्लाइड ट्रांजिशन वैल वॉचिंग फिल्म एंड कार्टून यू मे हैव नोटिस हाउ द नेक्स्ट सीन बिगिनस व्हेन वन सीन एंड आप जब मूवी देखते हैं या फिर कार्टून देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सीन पूरा होता है तो उसके बाद नेक्स्ट सीन कैसे आता है वो शुरू कैसे होता है द वे वन स्लाइड फॉलो द अदर ऑन द स्क्रीन इज कोल्ड ट्रांजिशन यहाँ पे जो वन स्लाइड होता है उसके बाद जो दूसरी स्लाइड आती है उसे कहते हैं ट्रांजिशन टू एड द ट्रांजिशन टू अ स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डू द फॉलोइंग आप ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखिए फर्स्ट सिलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड नेविगेशन पेन स्लाइड नेविगेशन पेन में जाके आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ट्रांजिशन विल बी अप्लाइड बिटवीन बिटवीन देयर स्लाइड एंड द प्रीवियस स्लाइड यहाँ पे आपको जो जिस स्लाइड में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो स्लाइड और जो उसके बाद जितनी स्लाइड आप उसको रखना चाहते हैं ट्रांजिशन में वो उतनी स्लाइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा क्लिक द ट्रांजिशन टैब उसके बाद ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करना पड़ेगा देखिए फिगर फोर पॉइंट एटीन में ट्रांजिशन टैब आपको दिख रहा है इस तरह से खुलेगा ट्रांजिशन टैब। थर्ड इन द ट्रांजिशन टू टू दिस स्लाइड ग्रुप बाय डिफॉल्ट नन इज अप्लाइड यहाँ पे आपको नन यानी कि कोई भी ट्रांजिशन है वो आपको अप्लाइड नहीं होता दिखेगा क्लिक द मोर बटन टू सी ऑल सी ऑल अवेलेबल चॉइस यहाँ पे आपको मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा क्लिक अ ट्रांजिशन टू अप्लाई इट टू सिलेक्टेड स्लाइड दिस विल ऑटोमेटिकली प्रीव्यू द ट्रांजिशन आपको ट्रांजिशन अप्लाई uh, करना पड़ेगा जो सिलेक्टेड स्लाइड होगी वहाँ पे और वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन हो जाएगा प्रिव्यू स्लाइड में फोर्थ फोर्ड इन द टाइमिंग ग्रुप डू द फॉलोविंग अब आप देखेंगे टाइमिंग ग्रुप में क्लिक द एरो नेक्स्ट टू साउंड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन साउंड आप साउंड अब साउंड पे क्लिक करेंगे तो वो डिस्प्ले होगा ट्रांजेक्शन साउंड आप ट्रांजेक्शन में साउंड भी रख सकते हैं वेन यू होवर ओवर ए साउंड यू विल हियर इट क्लिक द साउंड यू वॉन्ट टू एड उस आप साउंड को सुन के उसके बाद जो साउंड आप एड करना चाहते हैं वो एड कर सकते हैं बी सिलेक्ट अ डिजायर ड्यूरेशन आप जितने टाइम तक ड्यूरेशन यानी कि आप टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप जितने टाइम तक कर रखना चाहते हैं वो इतने टाइम का आप रख सकते हैं क्लिक अप्लाई टू ऑल इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस ट्रांजिशन फॉर ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑल स्लाइड के लिए कि आप ये स्लाइड पे प्रेजेंटेशन पे ट्रांजिशन एड करना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं इसलिए डी एडवांस स्लाइड्स लेट्स यू चूज हाउ टू एडवांस अ स्लाइड एडवांस स्लाइड में आप किस तरह से एडवांस स्लाइड चूज कर सकते हैं वो देखिए चेक ऑन माउस क्लिक इफ़ यू वॉन्ट टू द स्लाइड स्टे ऑन स्क्रीन टिल द यूजर क्लिक द माउस और प्रेस अकी जब तक आप उस पर माउस क्लिक यानी कि ऑन माउस क्लिक जब आप माउस से क्लिक करेंगे तो ही आपकी स्लाइड है वो चेंज होगी या फिर कोई भी की प्रेस करेंगे तो ही आपकी स्लाइड है वो चेंज होगी नहीं तो वो स्लाइड है वो वहीं वहीं पर रहेगी वो चेंज नहीं होगी अब चेक आफ्टर एंड एडजस्ट द टाइम इफ यू वांट टू द नेक्स्ट स्लाइड टू अपियर आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंड सेकेंड्स ऑटोमेटिकली आप उसको ऑटोमेटिकली चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस उससे पहले जो स्लाइड होगी उसको फिक्स uh, नंबर देना होगा उसका फिक्स टाइम रखना पड़ेगा ताकि उसको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप uh, वो है ऑटोमेटिकली uh, आप चेंज uh, हो जाएगी अपने आप अब देखिए एनीमेशंस एनिमेशंस आर स्पेशल इफेक्ट दैट यू कैन ऐड अ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड वो आप अलग अलग तरीके की इफ़ेक्ट आपने देखी होगी कि वो स्लाइड है वो ऊपर से आती है नीचे से आती है छोटे छोटे टुकड़ों में बैठकर पूरी स्लाइड है वो आपको दिख रहे हैं वो इफेक्ट आप जिस तरह वो इफेक्ट आप देते हैं उसे क्या कहते हैं एनिमेशन कहते हैं एनिमेशन कैन मेक द ऑडियंस पे अटेंशन टू इम्प्रूव पॉइंट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग वो एनीमेशन है वो आपको ऑडियंस uh, पे अटेंशन उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते इसलिए यहाँ पे आपको प्रजेंटेशन में uh, उसको एनीमेशन रखते हैं कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग आपका जो फ्लो होता है वो आप कंट्रोल रख सकते हैं ज़्यादा स्पीड में या ज़्यादा धीमे इस तरह से आपका फ्लो होगा तो वो उसको कंट्रोल करेगा जब आप एनिमेशन रखेंगे तो वो ज़्यादा फास्ट होगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा उस इसलिए जो स्लाइड में आप एनिमेशन रखते हैं तो वो धीमे धीमे आएगा ताकि आप उसको इंटरेस्टिंग बना सके और उसको ज़्यादा अच्छा बना सके द स्टेप टू एनिमेट टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट आर आप एनिमेट कैसे कर सकते हैं तो वो देखिए सिलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट आप जिस ऑब्जेक्ट uh, को या फिर जिस टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद एनिमेशन टैब पे क्लिक करना पड़ेगा क्लिक द एनिमेशन टैब थर्ड इन द एनिमेशन ग्रुप क्लिक द मोर बटन टू डिस्प्ले द गैलरी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे एनिमेशन ग्रुप में तो आपको कई सारी एनिमेशन गैलरी है वो आपको दिखेगी एनिमेशन गैलरी में कई सारी इफेक्ट है वो आपको दिखेगी सिलेक्ट द डिजायर इफेक्ट एज एक्सप्लेन बिलो आप कौन सी एनिमेशन रख सकते हैं वो आपको कई सारी दिखेगी लेकिन आप देखिए एंट्रेंस इफेक्ट फॉर हाउ द ऑब्जेक्ट विल एंटर द स्लाइड सॉ एंट्रेंस इफेक्ट है वो आप ऑब्जेक्ट में स्लाइड को आपका ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड में कैसे एंटर कर सकते हैं वो दिखाती है एम्फेसिस इफेक्ट फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्लाइड आपका ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड में है इस वो एम्फेसिस इफेक्ट दिखाती है एग्जिट इफेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट टू लीव द स्लाइड आप स्लाइड को लीव कैसे कर सकते हैं वो एग्जिट इफेक्ट दिखाती है मोशन पाथ इफेक्ट टू द मेक द ऑब्जेक्ट मूव इन द स्पेसिफाइड पैटर्न ऑन द स्लाइड अब मोशन पाथ इफेक्ट करेंगे तो वो किस तरह से उसके पैटर्न है वो अलग अलग तरीके से पैटर्न होगी वो इस पैटर्न में मूव होगी स्लाइड पे द नंबर वन अपियस नेक्स्ट टू द एनिमेटेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट नंबर वन है वो एनिमेटेड टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट है Also in the slide इन द स्लाइड पेन अ स्टार next विल the नेक्स्ट टू द स्लाइड इंडिकेटिंग दैट इट हैज एनिमेशन अप्लाइड जब आपने एनिमेशन अप्लाइड किया होगा तो आपकी स्लाइड के आगे यानी कि स्टार का सिंबल होगा ताकि आपको पता चले कि वो स्लाइड पे आपका एनिमेशन हो गया है अप्लाइड किया हुआ है यू कैन एड एनिमेशन टू अधर टेक्सट और ऑब्जेक्ट ऑन द सेम स्लाइड they will be number two, three, and so on and will run in that sequence. आप एक ही स्लाइड में कई सारी animation भी रख सकते है तो उसका नंबर आपको दिखेगा टू थ्री और जितनी आप एनिमेशन रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं सिक्स यू कैन also add मोर देन वन एनिमेशन टू द सेम सब्जेक्ट आप एक ही एनिमेशन आ, सेम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सॉरी एक से ज्यादा एनिमेशन है वो आप वो सेम ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं सेवन टू डिसाइड व्हेन द एनिमेशन विल स्टार्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन ड्रॉप एरो ऑफ स्टार्ट बॉक्स इन द टाइमिंग ग्रुप एंड चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन जब आपने एनिमेशन है वो डिसाइड कर लिया उसके बाद जो स्टार्ट बॉक्स पे जो टाइमिंग ग्रुप में होता है वो आप ऑप्शन चूज करते हैं ऑन क्लिक इफ़ यू वांट द एनिमेशन टू बिगिन आफ्टर यू क्लिक द स्लाइड ऑन क्लिक जब आप क्लिक करेंगे तो ही आपकी स्लाइड है वो स्टार्ट होगी और उसमें जो एनिमेशन है वो शुरू हो आपको दिखेगी विथ प्रीवियस इफ यू वॉन्ट टू एनिमेशन टू बिगिन एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस वन अब आप प्रिवियस टाइम में जो एनिमेशन है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं आफ्टर प्रीवियस इफ यू वॉन्ट टू एनिमेशन टू बिगिन इमिडिएटली आफ्टर द प्रीवियस वन जब आप एनिमेशन है वो बिगिन कर इमीडिएटली बिगिन करते हैं तो आफ्टर जो प्रिवियस होगी उसके बाद आपकी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी ए टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एनिमेशन सिलेक्ट एन एनिमेशन एंड क्लिक द मू मूव अर्यर और मूव लेटर ऑप्शन ऑफ रेकॉर्डर एनिमेशन इन द टाइमिंग ग्रुप उस एनिमेशन का जो ऑर्डर है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा टाइमिंग ग्रुप में रेकॉर्डर एनिमेशन ऑप्शन में मूव अर्यर या फिर मूव लेटर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा टू तो रिमूव एन, एन एनिमेशन सिलेक्ट इट एंड क्लिक द डिलीट की आपको एनिमेशन रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं तो जो एनिमेशन है उस पे उसको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपके एनिमेशन है वो रिमूव हो जाएगी या फिर डिलीट हो जाएगी